नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से पत्र लिखकर एक बड़ी बात बोली है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रियंका गांधी के द्वारा 1000 बसें चलाने का जबरदस्त समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार को पत्र लिखते हुए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार से कहा है कि उनके द्वारा लगाई गई बसों को चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि हमारी बसें कल से वहां खड़ी हैं। इस बीच बस पॉलिटिक्स पर अब भी सियासत लगातार जारी है। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि उनको बस चलाने की इजाजत मिल जाए और कम से कम योगी सरकार को जो बसें जांच में ठीक मिली हैं कम से कम उन बसों को ही चलने की इजाजत दे दी जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साफ तौर पर इस पर राजनीति कर रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 से ज्यादा बसें बताई है कि इनमें बसों की संख्या है और ऐसे में इन बसों को अभी तक चलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई, ये काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जो बसें जांच में ठीक है उनको चलने की इजाजत कम से कम मिल जानी चाहिए। बॉर्डर पर मंगलवार से लगातार बसें खड़ी हैं और आज शाम 5 बजे तक ये बसें बॉर्डर पर खड़ी रहेंगी। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में ये बात लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे ड्राइवर भी काफी परेशान हो रहे हैं, बेचारे बेचैन हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों जो ड्राइवर गाड़ियां लेकर खड़े हैं वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम करके वापस अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनको इजाजत नहीं मिल रही है। इस मामले को लेकर एक और अपडेट है जहां पर आगरा के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में लिया था और आज धारा 188 और धारा 269 के मुकदमे दर्ज करके कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर प्रियंका गांधी लगातार बस चलाने की इजाजत मांग रही है और इसके कारण ही कांग्रेस पार्टी को अभी तक इजाजत नहीं मिली है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगातार हर एक घंटे के लिए इन बसों का किराया देना पड़ रहा है और ऐसे में राजनीति के चक्कर में ये बसें खड़ी खड़ी धूल फांक रही हैं जबकि इनको मजदूरों को अपने जगह पर पहुंचाना था और ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और साथ ही साथ बस चलाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर नोएडा के अंदर 100 बसें पहुंच गई। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने बोला है कि हम आज शाम तक यहां पर रहने वाले हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जगह जगह बसों को रोका गया है, कुछ बसों को RTO के जरिए सीज कर दिया गया है, यानी बेहद गंभीर मामला है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर बॉर्डर पर फंसी 400 बसों को लेकर यूपी राजस्थान की सरकार भी आमने सामने आ गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बसों को परमिशन ना मिलने पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर तकरीबन 400 से ज्यादा बसें मौजूद है, उन्होंने यूपी सरकार की परमिशन मिलने का इंतजार है। सचिन पायलट का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजदूरों के लिए बस और खाने का इंतजाम कर रही है तो अन्य सरकारों को इसका स्वागत करना चाहिए। बॉर्डर पर बसों का परमिशन देना हो नहीं देना, नेताओं को गिरफ्तार करना और राजनीति करना कहां तक जायज है, सचिन पायलट की ओर से ये गंभीर सवाल खड़े किए गए।